वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में लवप्रीत सिंगल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज इज पावर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपने बायोमेट्रिक बुक कर लिया तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कंसेंट फॉर्म कैसे फिल करना है और प्रीमियम सर्विस है वो जो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कंसेंट फॉर्म में बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसे कैसे फिल करना है, कहाँ कहाँ पर साइन करने हैं। ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन जो है दूर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और जो आपके फ्रेंड्स बायोमेट्रिक करवाने के लिए जा रहे हैं वो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने जो आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आई होती है उसके लिंक में से ये कंसेंट फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, इसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने से ये कंसेंट फॉर्म आप पेन से भी फिल कर सकते हो और कंप्यूटराइज भी फिल कर सकते हो, ये दोनों तरह के लिए जाते हैं। लेकिन कई बच्चों का ये कहना है कि वहाँ पे पेन वाला नहीं लिया जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कंप्यूटर पेन वाले भी ले लेते हैं वो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर जो एम्बेसी की तरफ से आती है, कंसेंट फॉर्म उसी अपॉइंटमेंट लेटर के लिंक से डाउनलोड हो जाता है। नंबर 3 पे चाहिए बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो कि GIC की पे आती है, और नंबर 4 पे चाहिए आपको पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी और ओरिजिनल। $235 की रिसिप्ट है जो ऑप्शनल होती है, वो भी आपको GC की पे मिल जाती है जो एम्बेसी फी होती है। ये है फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट लेटर जो कि एम्बेसी की तरफ से मेल आती है, इसको आपने PDF कन्वर्ट करके प्रिंट करवा लेना है। यहाँ पे आपका नाम, अपॉइंटमेंट डेट, टाइम और टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा होता है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी लिखे होते हैं, और यहाँ से ये जो लिंक आता है इसे आप क्लिक करके कंसेंट फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना भी वो आपको अंदर नहीं एंटर करने देंगे। और ये है कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म डाउनलोड आपने कर लिया है, कैसे फिल करना है ये मैंने पहले फिल करके रखा हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ। इसे फर्स्ट टर्न ओवर करना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने जो एड्रेस है वो अगर एजेंट का भी डाल सकते हो और अपना पासपोर्ट वाला एड्रेस भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, और यहाँ पे आपने साइन करने हैं। और ये जो डेट है, डेट उस दिन की डालनी है जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिली है, और सिटी जहाँ पे रह के आप साइन कर रहे हो अगर एजेंट का एड्रेस है तो एजेंट की सिटी लिख देनी है आपने। और ये जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में आपको फर्स्ट में कहाँ आपकी बायोमेट्रिक होने जा रही है ये फिल कर देना है, जलंधर, चंडीगढ़ जो भी है सिटी और कंट्री फिल कर देनी है, इसे आप छोड़ सकते हो। और यहाँ पे आप ये एजेंट का फॉर्म है, तो यहाँ पे एजेंट का नाम और एजेंट और यहाँ पे आपके साइन लिखे होंगे। अगर आप एजेंट का नाम नहीं लिखना चाहते तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे आपने छोड़ देना है, यहाँ पे आपने सेल्फ लिख देना है और साइन कर देने हैं। नंबर लास्ट पे यहाँ पे आपका नाम, साइन और डेट जिस दिन की अपॉइंटमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपने फिल नहीं करना, ना ही साइन करने हैं, और यहाँ पे भी आपने फिल नहीं करना और ना ही साइन करने हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। साइन सिर्फ 3 ही जगह पे हो गए, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पेज पे साइन है बिल्कुल ईमेल आईडी के नीचे, सेकंड पेज पे साइन है एप्लीकेंट सिग्नेचर ये यहाँ पे, और थर्ड पेज लास्ट पे साइन है यहाँ पे आपका नाम लिखा है सिर्फ ऊपर की तरफ पे। तो ये आपका कंसेंट फॉर्म हो गया। थर्ड पे आती है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, ये वही लेटर है जो GC की पे आती है, इसके बेस पे आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है इस 3 पेज की होती है। यहाँ पे ऊपर आपका नाम लिखा होता है, कैटेगरी लिखी होती है, और ये 3 पेज की होती है फ्रेंड। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है, इसका प्रिंट भी चाहिए, इसके बिना भी वो आपको बायोमेट्रिक में एंटर नहीं करने देंगे। और नंबर 4 पे आपकी जो है पासपोर्ट की कॉपी है, फर्स्ट और लास्ट पे दोनों की कॉपी चाहिए, और ओरिजिनल भी पासपोर्ट साथ में लेके जाना है। ये रिसिप्ट है $235 की, कई बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ से मिलेगी, ये GC से डाउनलोड होती है, जिस दिन आपकी फाइल सबमिट होती है वहाँ पे ही आती है, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन फिर मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि ये भी आप लेके जरूर जाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपने साथ लेके जाने हैं। और अगर हम प्रीमियम सर्विस की बात करें तो प्रीमियम सर्विस मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ना ही लो, क्योंकि प्रीमियम सर्विस का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। प्रीमियम सर्विस में बेसिकली ये होता है कि आपका पासपोर्ट वो कहते हैं कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। YouTube के आप वीडियो देख लो या
या यूट्यूब की आप वीडियो देख लो या दूसरी अगर सर्वे करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट आपको प्रीमियम सर्विस का मना ही करेंगे, तो प्रीमियम सर्विस नहीं लेनी चाहिए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो कि अगर वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।